कोल पहले ही लिख दिया है। तो पेरेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप लोगों ने क्या वो देखा है? क्या आपने आपके बच्चों का जो फर्स्ट पेज है डायरी का, क्या देखा है? पेरेंट्स प्लीज, हाँ बोलना है आपने। अगर देखा है तो आपको जोर से हाँ बोलना है। क्या आपने वो देखा है? एक ही पेरेंट्स में वो जज्बा, एक ही पेरेंट्स ने वो देखा है। उन पेरेंट्स के लिए बच्चों अ बिग हैंड। आपके बच्चों ने उस डायरी के फर्स्ट पन्ने पर बड़े जादुई आंकड़े लिखे हैं, 91, 95, 98। लेकिन सिर्फ वो आंकड़े लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको हर एक चीज का
दिनक्रम आपका लिखना है और सिर्फ लिखकर चिपकाना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। कल आरती मैडम हमको पूछने वाली है इसके लिए लिख दो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब कबीर दास की कुछ अच्छी पंक्तियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल होए कि बहुरी करे वो कब। इसका मतलब है आपको काम कब करना है, अभी करना है। तो आज आपको इस प्रोग्राम के बाद आपका एक्शन प्लान जरूर तय करना है, आपका गोल जरूर सेट करना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आधुनिक मॉडर्न कबीरदास जी भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अक्सर आरती मैडम और पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश किए हैं कि आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी यारो, दिन पड़े हैं परसों। सो ये जज्बा अगर हमारे मॉडर्न कबीरदास में रहेगा तो हम लोग हमारे लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको आपका एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अमिताभ बच्चन जी, अ डायनामिक पर्सनालिटी, अमिताभ बच्चन जी इतनी एज होने के बावजूद ये बंदा जो है इसका एक्शन प्लान जानते हो, सुबह 5 बजे से रात के 1 बजे तक ये बंदा काम करता है। अब पे ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि रात में 11 से 1 ये जो उनका समय है वो एडवर्टाइजमेंट में बिताते हैं और इनका एक्शन प्लान पहले से ही था, इसलिए आज ये कामयाब है। सेकंड, सीईओ ऑफ अ गूगल, अ सीईओ ऑफ अ गूगल, सुंदर पिचाई, ये इसने तो हद कर दी। ये आपके जैसे जब था तो रिक्शा में भी बैठता था तो पढ़ता था, जहां देखो सिर्फ पढ़ता था, यानी उसको पता था उसका लक्ष्य क्या है और उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसको क्या करना है। सुंदर पिचाई के एक्शन प्लान को अगर समझोगे तो वो केवल और केवल 4 घंटे ही सोने में बर्बाद करता है, बाकी वर्कआउट अ लॉट, वर्कआउट अ लॉट। मेरी कॉम बचपन में वो बॉक्सर नहीं थी, लेकिन एशियाई गेम जब उसने देखे तो तब भारत हार गया था, तभी मेरी कॉम ने ये ठान लिया कि एक दिन मैं बॉक्सिंग सीखूंगी, मैं कोशिश करूंगी और मैं भारत देश का नाम उज्जवल करूंगी, मैं भारत देश का नाम उज्जवल करूंगी। गाइस, एंड शी डन इट विथ हर अ ग्रेट एक्शन प्लान, और उसने मेडल नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ये है मेरी कॉम, ये है जज्बा और ये है द ग्रेटेस्ट एक्शन प्लान वाले लोग। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे सारी दुनिया जानती है, द नेम ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, अ ग्रेट बिजनेसमैन, बिल गेट्स। बिल गेट्स अभी यहाँ पर बैठे हैं, वो शायद उन्होंने बहुत पढ़ा होगा तो वो तो कहेंगे हिज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल, ही वॉज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। लेकिन गाइस, आपको ये बताना चाहूंगी, आपने जो कुछ सुना है वो सही नहीं है। 70 घंटे ये इंसान जो है पढ़ता था, भले ही किताबी ज्ञान इसने नहीं प्राप्त किया, लेकिन जिसमें गोल था इसका वो है माइक्रो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में इसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी। 70 घंटे ये इंसान जो है उसी के बारे में सोचता था। दिन रात इसने मेहनत की और आपको पता है सबसे ज्यादा, यानी मैं इसकी अमीरता का वर्णन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका टर्न ओवर जो है दिन में 1,20,00,000 दिन में टर्न ओवर है, अगर आप इसको ठीक से समझोगे। लेकिन ये एक दिन में हुआ है क्या, ये एक दिन में हुआ है क्या? नो, ये सफलता, ये रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन
परिस्थितियां कैसे बदलेगी, क्या करना है, यही हम आज देख रहे हैं. So your action plan must be ready with you, and you have to implement on